यूथ सेंटर के पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में जो नीट की और जेईई की परीक्षा कराने चाह रही थी सरकार, उसके स्वरूप वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। उसी के विरोध में आज हम यूथ सेंटर के सभी साथियों ने उस लाठीचार्ज की निंदा की है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक रहे थे हम। जो पुलिस ने आके हमारे साथ बदतमीजी की है, बर्बरतापूर्व हम लोगों से, हमारे कई लोग चोटिल भी हुए हैं, उनसे छीना गया है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि ये कोरोना का जो बहाना बनाते हैं, ऐसे बहाने में कोरोना के समय में नीट और जेईई की परीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। इन्होंने जो योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका था, फूंकने की कोशिश कर रहे थे, वो छीन लिया हमसे। लखनऊ में कल जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ व्यवहार हुआ है, उसके विरोध में इन्होंने आज यहाँ एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को ACM2 ने ले लिया है और इसको महामहिम राज्यपाल महोदय को भिजवा दिया जाएगा। समाजवादी युवजन सभा के लोग थे, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए सड़क जाम की, नहीं वो तो अभी जांच की जा रही है, लेकिन इन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसको हम सह सम्मान पहुंचा देंगे। पुतला जो इनका पुतला था वो अंदर ये बना रहे थे, अभी अधबना था, जो पुलिस ने छीन लिया है और वो पुलिस ने उसको वहाँ से हटा दिया। सामने भी नारे लगे, रोड जाम किया गया है? रोड जाम नहीं हुआ, रोड तो बराबर चलता रहा है, रोड जाम नहीं हुआ है, लेकिन युवजन सभा ने जो आज ये पहले पूरे प्रदेश में था ये ज्ञापन दिया है।